प्यारे व्यूअर्स, हमारे हाथ लगा है एक सांप जिसको हम बेगम साहब अभी सुबह सुबह मेरी हेल्प करवाने के लिए आई। नाश्ता कर लिया और बेगम साहबा ने भी ये देख लो नाश्ता कर लिया। टिकटॉकर टिकटॉक भैया भैया हला ना डर के दिखा। तो ये देख लो, ये इसका टिकटॉक स्टाइल है। प्यारे व्यूअर्स, हमारे हाथ लगा है एक सांप जिसको हम मारेंगे अभी, कहीं भाग भी ना जाए। तो ये देख लो, यहाँ मैं काम करता हूँ, इधर मैं काम करता हूँ और ये सामने सांप बैठा है। ओह, ये देख लें, ये सांप बैठा है, ये देख ये है सांप। इधर मैं काम करता हूँ, ये देख लो, आज मैंने इधर से मट्टी ख़त्म की है और ये ईंटें बनाई हैं। अभी हम ये ईंटें जो सूख गई थी ये खड़ी करने के लिए आए थे। ये शहीन, समीर और उसके अम्मी बैठे हैं और मेरी अचानक नज़र पड़ी है तो इधर सांप बैठा हुआ था। तो आप ये देख लें, सुबह होने वाली है और मैंने ये मट्टी कुछ बना ली है और कुछ रहती है। और ये देख लें, बेगम साहब अभी सुबह सुबह मेरी हेल्प करवाने के लिए आई हुई है, क्योंकि वह कहती है कि फिर सूरज जो है ना ज़्यादा निकल आया तो फिर दिन जो है ना धूप ज़्यादा हो जाती है, गर्म हो जाता है दिन। तो ये इसलिए सुबह सुबह हेल्प करवा रही है ताकि मैं जल्दी फ्री हो जाऊँ। और ये सांप पड़ा हुआ है जो कल हमने मारा था, ये देख लें, इधर सामने मैं काम करता हूँ और इधर सांप है। मेरे ख्याल में तो इधर से निकला होगा सांप, ये देख लें, ये सारी गंदी जगह है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ मेरे साथ बहन भाई ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। मैंने कहा सो जाऊंगी तो सो जाऊंगी, जाती हूँ चलो कुछ हेल्प हो जाएगी ना, साथ मिल के भी काम करें सुधारा होगा ना, मिल के काम करते हैं चलो बरकत हो जाती है इसमें। और इधर अभी रेत लगानी है रात को, पहले तो मैं रात को फाइनल करके जाता हूँ काम, लेकिन जब से कल से सांप देखा है तो फिर इधर से डर लग रहा था तो फिर मैं चला गया था। अब सुबह सारा काम ये फाइनल करूँगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शीनो फैमिली व्लॉग्स, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और सुबह सुबह मैंने मट्टी बना ली है और यह बाल्टी देख रहे हैं, इसमें लेकर आया था पानी भर के लेकर आया था ताकि मुझे वो जो पीछे पानी वाला खड्डा है उसके अंदर ना जाना पड़े, क्योंकि सांप मारा है तो इसलिए आप दिल में जो है ना डर पैदा हो गया, तो एहतियात जो है ना वो लाजमी है। इसलिए तो मैं घर से ये पानी भर कर लेकर आया था। तो अब मैंने काम फाइनल कर लिया, थोड़ा बहुत अभी बाकी है, इधर से रेत लगानी है ईंटें बनाने के लिए, वो रेत लगाऊंगा और उसके बाद जो है ना काम मेरा शुरू हो जाएगा। सब भैया देख लें, सुबह सुबह घर की सफाई कर रही है। और समीर क्यों रो रहा है? ये बिल्ली से डर गया है। और मैं सुबह सुबह लेकर आ चुका हूँ पापे नाश्ता करने के लिए। पापे खाएगा? तू भी खाएगी? चलो ठीक है, इधर आ फिर, चाय को कितनी देर है। तो इधर ये देखो हमारी चाय बन रही है, आज बहुत लेट हो चुका हूँ काम से, आज क्या बनेगा फिर। और ऊपर से गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, चलो एक आध दिन ऐसे आ जाता है। फिर वो रेडियो वाले आ गए ईंटें उठाने के लिए। शहीन ने भी नाश्ता कर लिया और बेगम साहबा ने भी ये देख लो नाश्ता कर लिया है पापों के साथ, और मैं भी ये एंड पे चाय पी रहा हूँ, और समीर भी ये देख लो पापे खा रहा है, और मक्खियों ने देख लो क्या हाल किया हुआ है। बहन भाई ने चाय पीनी है तो आ जाए, खाली कापा है। नहीं नहीं मेरे पास है चाय। मैं काम कर रहा था और शाहीन देखो तैयारी करके मेरे पास आ चुकी है, सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि यह है टिकटॉकर, टिकटॉक पर मैं सिर्फ इसकी वीडियोस डालता हूँ और ये सुबह सुबह इसी तरह तैयारी करके मेरे पास आ जाती है और बोलती है कि पापा मेरी वीडियो बनाओ। ऐसे तो फिर कैसे चलेगी तू, चल के दिखा ना ज़रा, अल्टुर से कि मैं टूरें। तो ये बड़े स्टाइल से टूरती है। हाँ टोर के दिखा, टोर के दिखा भैया भैया हला ना, टोर के दिखा। तो ये देख लो, ये इसका टिकटॉक स्टाइल है। मैं सामने काम कर रहा हूँ और बेगम साहबा अब 10 बजने वाले हैं और मेरा नाश्ता लेकर आई है, क्योंकि सुबह आपको मैंने दिखाया था पापों के साथ मैंने नाश्ता किया था और पकाने के लिए कुछ नहीं था, तो इसने प्याज डाल के पराठे में
तो ऐसे पराठा ही बना दिया कि किसी तरह गुजारा तो करना है ना आखिर। यार एवर्स अभी अभी मैं आया हूँ काम से छुट्टी करके और 1 बजे का टाइम हो रहा है और गर्मी की वजह से मेरी हालत आप देख सकते हैं। और जब घर आया तो खुशी की इंतहा मेरी नहीं क्योंकि लाइट बिल्कुल गायब थी क्योंकि बाहर इतना क्या हबस है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मैंने सोचा थोड़े बहुत चलो पंखे की हवा पे जो ना सांस ले लूँगा, लेकिन क्या है यहाँ पर तो सांस नहीं लिया जा सकता, तो इसलिए मैं टाइम ज़ाय किए बगैर जाऊँगा सीधा नहाने के लिए। तो बस आज की ये छोटी सी शेयरिंग थी, उम्मीद है कि आप दोस्तों को पसंद आएगी। कल नेक्स्ट में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।